हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2021 इसको लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबको बताना चाहूंगा, जो शायद आप लोगों को थोड़ा विश्वास करना मुश्किल लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट, एक हिम्मत आप लोगों को देगा ये बात सुनकर। आप सबको जैसा पता है कि इस वक्त आप लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, एक है यूट्यूबर्स का साथ, दूसरा है मेरे प्यारे दोस्तों न्यूज रिपोर्टिंग, यानी कि जो न्यूज आर्टिकल्स जो लोग आपको लिए सपोर्ट करते हैं, और तीसरे की बात कर ले तो आपके पेरेंट्स। अब इसी बीच अगर आप लोगों के सपोर्ट को और आगे बढ़ा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई का फैसला, अभी एग्जाम कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा उसका फैसला 1 जून को लेना है। यानी कि कितना वेस्टेज ऑफ टाइम मेरे प्यारे दोस्तों, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है हर एक स्टूडेंट का जिनके लिए फैसला नहीं लिया जा रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि मान के चलिए आपका एग्जाम होने वाला था मार्च में, तो आप फरवरी में पूरा पढ़ के प्रिपेयर थे। जब अप्रैल में होने वाला था तो आप मार्च में पढ़कर प्रिपेयर थे। तो एक ही चीज को आप बार बार पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, मतलब गुस्सा आ रहा है आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी सी एप्लीकेशन जरूर यूज करें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, और भी सारा डिटेल्स देता हूँ। हेलो एवरीवन, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, सबका सलूशन है डाउट नेट। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक गए हो तो आपको बस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप कर देनी है और अपलोड कर देनी है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी वीडियो सलूशन। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी एंड अदर स्टेट का, साथ साथ क्लास 6 टू क्लास 12 एंड आईआईटी जेईई मेंस एडवांस नीट का हो, साथ साथ सब्जेक्ट की बात कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, डाउट नेट पर चल रही है कोटा टॉप फैकल्टी, जहां पर जीबी सर, एनजे सर, मैम, एके मैम, साथ साथ प्रिंस सर हैं, उसी के साथ टॉप बेस्ट एजुकेटर्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिया है डाउट नेट, तो देर किस बात की, डाउनलोड ना पाए दुगने फायदे। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबसे कह रहा था कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो इसमें एक प्लस पॉइंट हम लोगों को ऐड किया गया है, जो कि है न्यूज रिपोर्टिंग। जो न्यूज रिपोर्टर्स, एक चीज कह दूं कि हमेशा से मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्टली आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आ जाएगा, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके डायरेक्ट सपोर्ट में कोई नहीं आना चाहता और डायरेक्ट सपोर्ट कोई नहीं करना चाहता। लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग ट्रेंड पे चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आप खुद के लिए कर रहे हो, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हो, यूनिटी बनाकर लड़ रहे हो, हैंड्स ऑफ, साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इंडिया टीवी, जी न्यूज, जितने भी रिपोर्टिंग जो चैनल्स हैं, इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना इरिटेट लग रहा होगा इस वक्त आप लोगों को, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, चारों तरफ लोग परेशान हैं, उसमें अगर आप लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपने फैमिली में बैठे हैं तो आपके माता पिता आपको देखकर और ज्यादा जो है टेंशन में आ रहे होंगे, और ज्यादा आपको लेकर कंसर्न हो रहे होंगे कि मेरा चाइल्ड इतना ज्यादा परेशान है, मेरा बच्चा जो है पढ़ाई को लेकर परेशान है। वहीं कितने फैमिली में कोविड पॉजिटिव निकल गए हैं, आप लोग कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई स्टूडेंट मैंने देखा जिनके गार्जियन खो चुके हैं, यहाँ तक कि कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, आप अकेले घर पे बैठे उनकी टेंशन लें कि आने वाले एग्जाम का टेंशन लें। हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट को किस चीज़ का इंतजार है। गवर्नमेंट का एक्सट्रीम लेवल का इंतजार करिए कि जब पूरा हालात खराब हो जाएगा, जब बच्चे एकदम से नष्ट हो जाएंगे, तब हम उनके लिए फैसला लेंगे। आखिर ये चीज़ क्यों हो रहा है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं कोविड-19 से, वो तो अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, पता नहीं एग्जाम देंगे कि नहीं। तो आप फैसला लेने में इतना लेट क्यों कर रहे हो? यूपी बोर्ड का फैसला होने वाला था 2 तारीख को, जिसको पोस्टपोन करके 20 तारीख, पता नहीं 20 तारीख को पोस्टपोन बात होने के बाद एग्जाम कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी ठीक नहीं। लेकिन जो सपोर्ट है, जो लोगों का, बहुत सारे लोग हैं आपके सपोर्ट में, वही सपोर्ट हम बरकरार रखना चाहते हैं आपका, तभी एग्जाम कैंसिल होगा, और हम 100% श्योर है कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट में। थैंक यू सो मच।